ओम गणेशाय नमः। आप सबनु मारा यूट्यूब चैनल जय श्री कृष्णा में स्वागत छे। आजे आपणे सांभळशुं श्रावण सुधी पुत्रदा एकादशी। जो आपने आ वीडियो पसंद आवे तो लाइक शेर सब्सक्राइब करवानु भूलशो नहीं। युधिष्ठिरे पूछ्यू, हे श्री कृष्ण, श्रावण सुद एकादशीनु नाम तथा प्रकार मने कहो। श्री कृष्णए कह्यू, हे राजन, जे सांभळवाथी वाजपेयी यज्ञनु फल प्राप्त थाय छे अने सर्व पापोनो नाश करनारी उत्तम कथा कहूँ छू ते तमे सांभळो। पूर्वे द्रौपर युगना प्रारंभ में माहिष्मती नगरी में महिजीत नामनो राजा राज्य करतो हतो। ते पुत्र रहित होवाथी राजकाज में मन लागतु न हतु। घणा उपायो कर्या छता पुत्र प्राप्ति न थता अने हवे गढ़पण आवेलू जोई चिंता थवा लागी। राजाए सभा में जई प्रजानी वच्चे कह्यू के मैं आ जन्म में कई पाप कर्यू नथी, ब्राह्मण के देवनु द्रव्य लीधु नथी, प्रजानु पुत्रवत पालन कर्यू छे, शिष्ट लोकोनो सत्कार कर्यो छे, तो हे ब्राह्मणों एवी रीते हूँ धर्म थी चालू छू, छता कया कारण थी पुत्र प्राप्ति थती नथी तेनो आप विचार करो। राजाना वचनों सांभळी ब्राह्मणों राजाना पुरोहित अने प्रजा मळी घोर वन में गया। ऋषिओना आश्रमों जोवा लाग्या। त्यां घोर वन में लोमश ऋषि तप करता जोवामा आव्या। ऋषि निराहार हता, धर्मना तत्वने जाणनारा हता, शास्त्रों में प्रवीण अने ब्रह्मज्ञानी हता। वड़ी ए ऋषि भूत भविष्य अने वर्तमान जाणनारा हता। सगड़ा आवेला जनोए मुनिराज ने यथा योग्य प्रणाम कर्या। ऋषि बोल्या, तमे शा कारणे अहीं आव्या छो अने तमे मने केम वखाणो छो ते कहो, तमारू जेम कल्याण थशे तेम हूँ करीश। अमारो जन्म परोपकार माटे छे एमा संशय नथी। बधा जनोए कह्यू, अमारा आववानू कारण सांभळो। एक संशय दूर करवा माटे अमे आपनी पासे आव्या छीए। ब्रह्माथी अने आपथी उत्तम कोई नथी, माटे कार्यवशात अमे आपनी पासे आव्या छीए। हे महाराज, हाल महिजीत नामना अमारा राजा छे पण तेमने पुत्र नथी, तेथी चिंतामां रहे छे, तेथी ज अमने घणो खेद थाय छे। हे मुने, महात्माओना दर्शनथी ज कार्य सिद्ध थाय छे, जेथी राजाने पुत्र थाय तेवो उपाय बतावो। मुनिराजे क्षणवार ध्यान धर्यू अने राजानी पूर्वजन्मनी हकीकत कहवा लाग्या। लोमश ऋषिए कह्यू, आ राजा पूर्वजन्ममां वैश्यवर्णनो हतो, निर्धन हतो ने नीच कर्म करतो हतो। एक समये ज्येष्ठ सुधी एकादशीना दिवसे मध्यान वक्ते वाणियो गामना सीमाड़ामां आव्यो। ते वखते ते तृषाथी व्याकुळ थयो हतो, तेथी जळ पीवा जळाशय पासे आव्यो। ते वखते तरत विहायेली अने वाछरडा साथेनी गाय तृषाथी व्याकुळ थती ते जळाशयमां पाणी पीवा आवी। पाणी पीवा लागी पण गायने तृप्त थया पहेला त्यांथी हाकी काढी पोते पाणी पीवा लाग्यो। ते पापना कारणे राजाने अत्यारे पुत्र थतो नथी पण पूर्वना पुण्यथी राज्य मळ्यु छे ते भोगवे छे। लोकोए कह्यू, हे मुने, पुण्यथी पापनो नाश थाय छे, माटे राजानु पाप नष्ट थाय ने राजाने पुत्र थाय तेवो उपाय बतावो। लोमश ऋषिए कह्यू, हे राजन, श्रावण सुधी एकादशी जे पुत्रदा एवा नामदी प्रसिद्ध छे तेनु विधिथी व्रत करी ते रात्रिए जागरण करो, पछी तेनु पुण्य राजाने आपो। आम करवाथी राजाने अवश्य पुत्र प्राप्ति थशे। ऋषिराजना आवा वचन सांभळी हर्षभेर लोको नगरमां आव्या। पछी ज्यारे श्रावण मासनी सुद एकादशी आवी त्यारे ऋषिना कहेवा प्रमाणे
राजा सहित सघळी प्रजाए आ व्रत कर्युं अने द्वादशीना दिवसे राजा ने पुण्य आप्युं। तेना प्रभावथी राणी ने नव मास पूरा थए सुंदर बड़वान पुत्रनो जन्म थयो। माटे आ लोकमां पुत्रनी इच्छावाड़ा पुरुषे ते दिवसे व्रत करवुं। जे माणस आ एकादशीनुं महात्म्य सांभळे छे ते सर्व पापोथी मुक्त थाय छे। आ लोकमां पुत्र सुख मेळवे छे अने मृत्यु पछी स्वर्गमां जाय छे। आवी रीते भविष्य पुराणमां पुत्रदा एकादशीनुं महात्म्य कहेलुं छे।